जय हिंद एक्सेसमैन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में आप लोगों का वेलकम है। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में जानेंगे क्या वैकेंसी रहेगी, क्या उसकी डिटेल्स है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, उसके बाद कुछ वैकेंसीज पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है। तो पहली वैकेंसीज है मेरा मॉडल स्कूल की तरफ से, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पे होगा। हेड चीफ एक, असिस्टेंट चीफ एक, किचन हेल्पर की दो और मेस बॉय की दो वैकेंसीज है। यहाँ पर जो काम रहेगा टू मैनेज द कुकिंग इन द स्कूल, कैंटीन में खाना बनाना होगा। यहाँ पर जो है जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। 12th पास होने चाहिए, रिटायर फ्रॉम डिफेंस सर्विस से होने चाहिए, 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। न्यू दिल्ली जनकपुरी बी ब्लॉक में जॉब लोकेशन है और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 3,60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, सॉरी पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पर लगभग आपके 30,000 रुपये एक महीने की सैलरी यहाँ पर बनने वाली है और बाकी एडिशनल बेनिफिट एज़ पर स्कूल के हिसाब से दी जाएगी। फुल टाइम जॉब रहेगा 24 नवंबर 2023 तक। आपको अप्लाई करना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू, यानी कि जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा वैकेंसीज के लिए। अगली वैकेंसी निकाली गई है डॉक्टर माम लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। पोस्ट यहाँ पे क्लरिकल का है, कॉन्टैक्ट या फिर रेगुलर जो भी है। ऑफिस क्लर्क का काम रहेगा जिसमें कि ऑफिशियल क्लरिकल का काम, डाटा एंट्री और कंप्यूटर स्किल, ड्राइविंग, मल्टी स्किल जिसमें कि डीलिंग विद कस्टमर के साथ, अटेंडिंग कॉल्स जो भी फोन आते हैं, कोऑर्डिनेशन करना होगा जो भी कोवर्कर्स हैं। ऑफिस क्लर्क का मेन काम यहाँ पे रहेगा। 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएट जो भी हैं या फिर डिप्लोमा है वो इनके एलिजिबल रहेंगे। जो इनिशियल पोस्टिंग रहेगी लोकल न्यू दिल्ली या फिर गुड़गांव में रहेगी। यहाँ पर दोस्तों 45 से 60 साल के जो भी हैं, काम करने के लिए फिट हैं, वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। दो वैकेंसीज है और 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अगली जो पोस्ट है ये भी डॉक्टर माम लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट रहेगी और काम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क रहेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम यहाँ पे रहने वाला है। 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा संबंधित आपके पास, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से नहीं बल्कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकल इन न्यू दिल्ली या फिर गुड़गांव में पोस्टिंग रहेगी। 60 साल मैक्सिमम तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 45 साल से 60 साल तक। 5 वैकेंसीज है, 25 नवंबर 2023 इसकी भी लास्ट डेट है। नेक्स्ट वैकेंसी भी डॉक्टर माम लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। असिस्टेंट का काम यहाँ पे है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मेन अकाउंट असिस्टेंट का काम है, अकाउंट क्लरिकल का। 30,000 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट है, डिप्लोमा इसके लिए अवेलेबल एप्लीकेबल रहेंगे। जो पोस्टिंग रहेगी लोकल न्यू दिल्ली में या फिर गुड़गांव में रहेगी। 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 45 से 60 के बीच में। 2 वैकेंसीज है, 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी गार्ड फॉर HPCL थर्मल राजमंडी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। 8 वैकेंसीज है। 8 आवर यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। DGR स्केल के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, सभी मिला के 26,000 रुपये, क्योंकि ये ग्रुप सी के अंदर है, सी सिटी है, सी सिटी में जो सैलरी है थोड़ा कम है। रूम एंड फूड ऑन इंडिविजुअल होगा, अभी रूम आर अवेलेबल नियर HPCL। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एनी एक्सेसमैन एज 58 ईयर तक, जो भी है ये बात कर सकते हैं एस स्वामी नारायण सिक्योरिटी एजेंसी। एनी एक्सेसमैन इंटरेस्टेड फॉर एनी फर्दर क्वारीज, यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करें। पूर्व सैनिकों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी इन वैकेंसीज के लिए कॉल कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 6 राइफलमैन पर्सन की। यहाँ पे लोकेशन है पटना में। इसके लिए भी पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 42,000 रुपये, जिसमें कि पेमेंट होगी 32,000 रुपये, कुछ छुट्टी दी जाएगी, रहने खाने का कुछ यहाँ पे कटिंग होगा।
तो संबंधित यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है ये है एक्सिस में चाहिए फोर्टीज के लिए, फोर्टीज हॉस्पिटल है उसके लिए सुपरवाइजर की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 23,000 रुपये दी जाएगी, 4 ऑफ होंगे, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 25-26 नवंबर तक चाहिए, उससे पहले फोर्टी हॉस्पिटल गुड़गांव में आके मिल सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिस में। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पे आप मिल सकते हैं गुड़गांव में जो भी रहने वाले हैं। फोर्टीज हॉस्पिटल का नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगली जो वैकेंसीज है अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहेगी सेक्रेटरीज इंडिया में, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सीनियर असाइनमेंट मैनेजर की है, लोकेशन नोएडा में है, एक्सपीरियंस 5 ईयर एनी रेजिडेंस सोसाइटी एंड एक्सेसमेंट बैकग्राउंड को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। एक्सेसमेंट के लिए वैकेंसीज है, सैलरी 45,000 इन हैंड दी जाएगी, ड्यूटी 8 घंटे की होगी, महीने में 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मिस्टर संजय जी है उनका नंबर दिया गया है, साथ में ईमेल आईडी है, तो इन नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगली जो पोस्ट है जीसीओ एनसीओ के लिए है, ये वैकेंसीज जिसमें कि जीसीओ एनसीओ क्लर्क एसटी एडमिन मैनेजर की पोस्ट उनके लिए है, जीसीओ एनसीओ एसकेटी की भी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, सैलरी दी जाएगी 25,000 से 30,000 रुपये। और उसके अलावा यहाँ पर जो फाइनल किया जाएगा इंटरव्यू के अंतर्गत 25 से 30 के बीच में, टाइमिंग यहाँ पे 9 बजे से 6 बजे तक है, जो काम रहेगा 9 बजे से 6 बजे तक, यानी दिन की ड्यूटी रहेगी। लोकेशन दिल्ली में रहेगा, इंडिविजुअल फ्रॉम दिल्ली के लिए वैकेंसी रहने वाली है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई देगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें जो आपको नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगली वैकेंसी सीएचडी कैंटीन में है पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए। ये जो वैकेंसी है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के अंदर के संरक्षण में स्थित सीएचडी कैंटीन में नियुक्ति होगी, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक उनके आश्रितों के लिए सीएचडी कैंटीन लैंसडाउन कोटद्वार पौड़ी और थली सैन्य में प्रबंधक एवं उप प्रबंधक संविदा के तौर पर रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर प्रबंधक के लिए 60 साल से कम एज होनी चाहिए, सैलरी यहाँ पर 23,375 रुपये से 11,495 रुपये दिया जाएगा। अभी ये क्या मतलब है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, कम क्यों लिखी है इन्होंने। एक एक पोस्टर लैंसडाउन कोटद्वार के अभ्यर्थी सेना का जो है ऑनरी कैप्टन से रिटायर होनी चाहिए, या फिर लेफ्टिनेंट या फिर सिरदार रैंक का होना चाहिए। उप प्रबंधक के लिए भी 60 साल से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 4 वैकेंसीज है लैंसडाउन कोटद्वार पौड़ी और थलीसैंड में। अभ्यर्थी को बेसिक कंप्यूटर कोर्स या फिर डिप्लोमा वरीयता उनको दी जाएगी, CIMS पैकेज का ज्ञान होना चाहिए। सूचना है इसमें कि किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता, महंगाई भत्ता, बोनस अवकाश स्वीकार नहीं होगा। भारतीय मूल का होना चाहिए और भूतपूर्व सैनिक का चरित्र जो है उदाहरणीय होना चाहिए। इसके लिए जो आवेदन पत्र होगा जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पद के लिए आवेदन, शैक्षिक योग्यता, छाया प्रतिलिपि आपको लगानी होगी, फोटोकॉपी, अनुभव की फोटोकॉपी लगानी होगी, स्थानीय पत्राचार फ़ोन नंबर के साथ यूनिट कैंटीन का नाम आदि लिखना होगा, कहाँ के आप बनना चाहते हैं, आवेदक के हस्ताक्षर करने होंगे। और सामान्य शर्तें इसके लिए हैं कि इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र में फोटोग्राफ संलग्न करके और स्वयं के पता वाले लिफाफे के साथ अपराह्न यानी कि शाम को 2 बजे 27 नवंबर 2023 तक प्रशासनिक बटालियन गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र लैंसडाउन को भेजें। आवेदन पत्र उल्लेखनीय दस्तावेज में पाए जाने पर आवेदक का जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। साक्षात्कार जो होगा 10 बजे 2 दिसंबर 2023 को गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र में होगा। तो इससे संबंधित जो आवेदन पत्र है ये आपको सीएसडी कैंटीन में मिल जाएगा, जो कि नियरेस्ट जो भी यहाँ पे गढ़वाल कोटद्वार में है कोटद्वार के कोटद्वार में ले सकते हैं, लैंसडाउन के लैंसडाउन में, थलीसैंड वाले वहाँ के थलीसैंड में ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको इसका आवेदन पत्र मिल जाएगा और आप भेज सकते हैं, जो कि 27 नवंबर 2023 तक आप बाई हैंड भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी कुछ पूर्व सैनिकों के लिए, ऑल इंडिया बेसिस पर हम वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं। अभी तक इतना ही, जय हिंद।